बात होगी अब बड़ौदा बाजार की। बड़ौदा बाजार नगर में हुई तोड़फोड़ आगजनी की घटना में शामिल दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम है अजय डहरिया, आकाश कुमार, धृत लहरे। अब तक बड़ौदा बाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले कुल 170 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 170 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी गंभीरता से इस पर काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी हो रही है और पूछताछ के आधार पर 170 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था, कल भी दो लोग गिरफ्तार हुए थे, दो आरोपी पकड़ाए थे, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था बड़ौदाबाजार हिंसा में और आज भी दो और गिरफ्तार हुए। अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़ौदाबाजार से, उन्हीं करो कर देते हैं। अजय, लगातार हम देख रहे हैं पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, दो और गिरफ्तारी, कुल मिलाकर 170। जी सुमित, बता दूं कि बड़ौदा बाजार जिले से जो 170 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी जो है 10 जून की जो घटना आगजनी की घटना हुई थी उसमें जो ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इनकी पहचान किया गया है, जो टोटल 170 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। वही हम बात करेंगे कि ये बड़ौदा बाजार जो है वो 7 लोगों की टीम के जो SIT की टीम गठित किया गया है, उसका जो नेतृत्व जो कर रहे हैं अभिषेक सिंह जो है एडिशनल SP वो नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पे बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ के हर कोने में जहाँ जहाँ इनके पहचान की जा रही है और छत्तीसगढ़ से बाहर अलग अलग प्रदेश में जाकर इनकी पहचान किया जा रहा है और फुटेज के माध्यम से मोबाइल लोकेशन के माध्यम से इनकी पता साजिश की जा रही है। वही बिल्कुल अजय, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे नजर आता है कि इस मसले को लेकर पुलिस काफी गंभीर है, ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। 170 गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे और कितने हो सकते हैं, मतलब ये गिरफ्तारियों का दौर कब तक चलता रहेगा? सुमित, मैं बता दूं कि ये बड़ौदा बाजार जिले के जो 10 जून को जो घटना हुई थी ना, आगजनी की घटना हुई थी, बड़ौदा बाजार संयुक्त कलेक्टर को जो है आग के हवाले कर दिया गया था। वहां पे कम से कम बताया जा रहा है, देखा जा रहा था कि 18,000 से 20,000 लगभग व्यक्ति थे वहां पे, और इस पे पहचान करना मुश्किल है कि वो जो असामाजिक तत्वों के जो लोग थे वो, उनकी पहचान जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो तोड़फोड़ किया गया है उनकी गिरफ्तारी किया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि ये गिरफ्तारी कब थमेगा और कब ये जो इसका निराकरण होगा। जी बिल्कुल, 18,000 लोग अजय बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद थे, तो अभी तो 170 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे और भी गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी रह सकता है, ऐसी संभावना है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका।